बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आज हम उसमें करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट्स हैं एंड हम इसमें हमने रियल एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। वेक अप एंड वर्क हार्ड। प्यारे बच्चों, जिंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो टाइम टेबल के मुताबिक काम करते हैं। तो आप अपना जो है वो टाइम टेबल बनाएं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स का, रीडिंग किस वक्त करनी है, राइटिंग, मैथ्स कब करना है, और क्योंकि घर पे हैं तो स्पोर्ट्स का भी टाइम निकालें। कोशिश करें कि अपने टाइम टेबल को औकाते सलात के मुताबिक बनाएं ताकि आपको नमाज की पाबंदी भी हो जाए और उसके साथ कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई छोटी छोटी मसनून दुआएं पढ़ना, याद करना भी अपनी रूटीन बनाएं। टाइम टेबल बनाने के बहुत सारे फायदे हैं, उनमें से एक फायदा तो ये है कि इट एंश्योर्स ऑर्डरली वर्क, कि आपका हर काम तरतीब से हो जाता है। उसके बाद इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी, आपने चीजें लिखी होती हैं, तय की होती हैं, आपका वक्त और तवानाई जाया नहीं होती। फिर उसके बाद आपको ये फायदा होता है कि इट इंश्योर्स राइट एलोकेशन ऑफ टाइम फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, आप जितना जिस सब्जेक्ट को मुश्किल है ज्यादा टाइम देंगे उससे फायदा होगा। सेल्फ डिसिप्लिन इज द मैजिक पावर दैट मेक्स यू वर्चुअली अनस्टॉपेबल, ये एक जादुई ताकत है जो आपको सेल्फ डिसिप्लिन सिखाती है, जिससे आपको आगे बढ़ने से में बहुत मदद मिलती है। तो सबसे पहले जो है हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और हम दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हमारे पास आप देख रहे हैं जो इक्वेशन आई इसमें हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू प्लेस कर दी है और उसके बाद हम जो है इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस साइन हो जाएगा। फिर हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट किया, 2x+3 इज रियल। अब हमने इमेजिनरी पार्ट्स में से आयोटा क्योंकि कॉमन है उसको हमने अलहदा कर लिया और अब हम कंपेयर कर रहे हैं राइट हैंड साइड विद द लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन को। तो हमने रियल पार्ट में 2x+3y = 4 और इमेजिनरी में -3x+2y = 1, क्योंकि आयोटा जब खाली लिखा हो तो अंडरस्टूड होता है कि 1 है उससे आगे। फिर हमने ये किया कि अब हमने ये हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 आ गई, अब हमने इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो हम इसको इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमने जो है इनको ऐड किया, इसमें से 6 प्लस और माइनस एक्स कैंसिल हो गया और हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई जो कि 14/13 है। अब हमने इस 14/13 वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट किया टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x+42/13 = 4। अब हम 13 को दो बोथ साइड से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 26x+42 = 52। अब हम 42 को 52 की साइड पे ले जाएंगे, उसका साइन चेंज हो जाएगा और हम जो है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे जो हमारे पास 52-42 10 आ गया और 10/26। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ जाएगा x = 5/13। तो ये हमने इस तरह से y और x की वैल्यू फाइंड आउट की और ये एक बहुत ही आसान सा 3-step प्रोसेस है, सिंप्लीफाई द इक्वेशन, फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ y और फिर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हम अपनी जो है वो क्वेश्चन 7 का पार्ट 2 करेंगे, वही 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप पे हमने सिंप्लीफाई द इक्वेशन, हमने दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और जिस नंबर को जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके बॉक्स के अंदर उसका आंसर आ रहा है। फिर अब हमने इसको जो राइट साइड पे इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई किया और अब हम इनकी पोजीशन चेंज करेंगे, हम 2x और 4y एओटा को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे और इस तरह उनके साइंस चेंज हो जाएंगे।
हम जो प्लस साइंस है उनको ऐड कर लेंगे और माइनस प्लस को माइनस कर लेंगे। अब हम जो है वो रियल और इमेजिनरी नंबर्स की पोजीशन चेंज करेंगे और इस तरह से हमारे पास जो आई आयोटा कॉमन आया उसको हमने टेक आउट किया। और कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 आ गई। अब हमने मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। इक्वेशन 3 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी जो कि 0 है। और अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि -1 है। तो हमने इस तरह से इसका पार्ट 2 भी सॉल्व कर लिया। अब हम इसके पार्ट 3 की तरफ आते हैं। इसको भी हम पहले स्टेप की तरह सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद हम जो है ए प्लस बी स्क्वेयर को जिस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और हमारे पास जहाँ पे आयोटा स्क्वेयर है उसमें हम अब आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू प्लेस करेंगे जो कि -1 है। और अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 9 - 16 + 24 आयोटा -3x + y आयोटा इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, 16 में से 9 गए तो -7 आ गया। अब हमने चेंज करना है पोजीशंस को, हम -7 और +24 आयोटा को राइट साइड पे ले आएंगे। अब हम कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो ये हमारे पास वाई की वैल्यू -24 आ गई और एक्स इज इक्वल टू -7/3। तो ये हमारे पास पार्ट 3 का भी आंसर आ गया। उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।